दोस्तों, मैं स्वास्थ्य मामलों का जानकार नहीं हूं और मुझे मालूम है कि आपको चारों तरफ से कोरोना से संबंधित सूचनाएं और अफवाह दोनों प्राप्त हो रही हैं। उस भंडार में मैं कुछ नया जोड़ने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिस पे हमको बेहद गौर फरमाने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने जो अपील किया है कि लॉकडाउन को पूरे तरीके से लागू किया जाए, सरकार के इन दिशा निर्देशों का और स्वास्थ्य मामलों के जानकार जो लोग हैं उनके बताए उपायों और सुझावों को लागू करने की जरूरत है। और सरकार से हमारा अपील यह है कि लॉकडाउन का नियम तभी लागू हो पाएगा, लॉकडाउन तभी सफल हो पाएगा जब सरकार इस बात का ख्याल रखे कि लोगों तक उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, वो लगातार पहुंचती रहे, यह सूचना बार बार उनके बीच में प्रसारित किया जाए कि आप चिंता ना करें, आप अपने घरों में बैठें और आपकी जरूरत की चीजें आप तक सरकार द्वारा पहुंचाई जाएगी और उसको पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है कि यह पूरी की पूरी लड़ाई जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सहयोग और उनके हिम्मत से ही संभव है। और वो तमाम लोग 18-18 घंटा काम करके इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं, लेकिन यह खबर आ रही है कि कई जगह उनके पास जरूरी उपकरण भी नहीं है, उनके पास सुरक्षा के उपकरणों की भारी कमी है। सरकार से यह आग्रह है कि जरूरत के जो सुरक्षा उपकरण हैं उनको वो उपलब्ध कराए। और कहीं कई जगह पे यह दुखद घटना देखने को मिली है कि जो लोग स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ मोहल्लों में, कॉलोनियों में और कई मकान मालिकों के द्वारा बुरा बर्ताव किया गया। मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त में उनको हमको प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जो देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टरों को और आपातकाल की सेवा में लगे हुए लोगों को सलाम करना चाहिए। और तीसरी बात कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत पहले से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही है और तमाम तरह की गलत सूचनाएं, टोना टोटके, अफवाह ये लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए आज जब विपरीत परिस्थिति में हमको और आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, हम इस बात को एक नियम बना लें कि कम से कम दिन में एक बार हम इस बात को चेक करेंगे कि हमारे घर के बच्चे और बुजुर्ग के पास कोई ऐसी सूचना तो नहीं पहुंच रही है, कोई ऐसा उपाय तो उनको नहीं बताया जा रहा है जिससे कोरोना से लड़ने के नाम पर वो किसी और बीमारी के शिकार हो जाएं। जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि और सारी बीमारियां हमको नहीं हो सकती है। और अगर कोई बीमारी हम तमाम लोगों को होता है, इससे स्वास्थ्य सेवा के ऊपर भार बढ़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिकता को अपनाकर, साइंटिफिक टेम्पर को अपनाकर और अपने घर में उसको लागू करा करके कोरोना महामारी से लड़ने में हम अपनी एक महती भूमिका निभा सकते हैं। आज जब हम समाज को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग तबके के लोगों को, चाहे वो टाई लगाकर ऑफिस में काम करने वाले लोग हों या रेड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोग हों, चाहे वो संगठित क्षेत्र के मजदूर हों या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, जिनके पास काम है उनका काम जाने की चिंता है और जिनके पास काम नहीं है वो बेरोजगारी की चिंता से, उसके तनाव से ग्रसित है। ऐसी परिस्थिति में बतौर व्यक्ति, बतौर सामाजिक प्राणी, हमारी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम लगातार अपने जानने वाले लोगों से बात करते रहें, क्योंकि सामूहिक तनाव एक विकराल रूप इस देश में धारण करता जा रहा है और फोन से बात करने से, मोबाइल से बात करने से कोरोना नहीं होता है। हम यह अंदाजा न लगाएं कि अगर हमारा दोस्त इंस्टाग्राम पे हंसता हुआ फोटो डाल रहा है तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। खास करके उन लोगों से हम लगातार बात करें जो तनावग्रस्त हैं विभिन्न कारणों से, तभी जा करके यह जो सामूहिक तनाव की एक परिस्थिति देश में पैदा हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। और इस देश की संस्कृति को अगर हम माने तो इस संस्कृति में बार बार यह कही गई है, जियो और जीने दो। यह जो जियो और जीने दो का सिद्धांत है, इसमें हम यह जोड़ सकते हैं कि खुद का भी ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए। आज हम देखते हैं कि जब हम तमाम लोगों को अपने घर में रहने की हिदायत दी गई है, हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करते हुए हम यह भी सुनिश्चित करें कि हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो भूखा है, जिसके पास जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। इसकी देखरेख भी हम करें। अलग अलग मीडिया चैनलों से यह खबर बार बार आ रही है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके बीच में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है।
जो जहाँ पर हैं वो किसी भी तरह से अपना घर परिवार तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जिन शहरों में काम कर रहे थे वहाँ सब कुछ बंद हो गया है, उनका काम बंद हो गया है और उनको बुनियादी जरूरत की चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं और तमाम जो यातायात के साधन हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। यह खबर देखने को मिली है कि लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपना घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में उनको खाना नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। उनका यह मानना है कि दूसरे शहरों में भूखे मरने से अच्छा है कि किसी तरह अपने गांव पहुंच जाए। इसीलिए हम देश की सभी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि जो मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं, या तो उनके लिए खाने पीने की, दवाइयों की और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करें, और जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वह यह सुनिश्चित करें या तो वो अपने नागरिकों को अपने राज्य तक लाने की विशेष व्यवस्था करें, या उनके नागरिक जहां फंसे हुए हैं वहीं उनको सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराया जाए। इस पूरी की पूरी लड़ाई में कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी तबके का हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, हमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और तमाम लोगों के जान माल की सुरक्षा, हर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको बराबर ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम इस महामारी से अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से जीत पाएंगे। और सबसे आखिरी बात जो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, तमाम तरह की आलोचना अपनी जगह पे है, महामारी को रोकने से पहले सरकार को क्या करना चाहिए था और सरकार ने क्या नहीं किया, इस पर चर्चा बाद में होती रहेगी, इस पे सवाल उठाए जाते रहेंगे, लेकिन आज जब पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि घर पर रहने के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानते हुए, अगर सरकार को यह जरूरत महसूस होती है कि स्वास्थ्य के सेवाओं में स्वास्थ्य के मामलों के जानकार ही अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन उसके अलावे जहां जहां वॉलंटियर की जरूरत है, जरूरी चीज़ों को एक दूसरे के बीच में पहुंचाने के लिए, सही सूचना लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसी भी तरह के काम में अगर यूथ वॉलंटियर की जरूरत है, हम अपनी तरफ से सरकार से यह अपील करते हैं कि सामाजिक संगठनों और जन संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनसे सहयोग लेकर के यह जिम्मेवारी निभाई जा सकती है। और हम युवाओं से भी यह विशेष अपील करना चाहते हैं कि आप घर पर रहने की हिदायत को मानते हुए अपने जो लोकल प्रशासन है उसके संपर्क में रहें, अपने पंचायत के लोगों के संपर्क में रहें, जो भी सरकारी तंत्र कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उपलब्ध है उन तमाम लोगों के संपर्क में रहें और प्रशासन के कहने पर ही आप वॉलंटियर के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। और याद रखें, जब तक प्रशासन ना कहे तब तक अपने घर पर बने रहना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल करना, फोन के द्वारा अपने परिचितों और जानकारों के का कुशल क्षेम पूछना और इन तमाम तरह की कोशिशों को एक साझी लड़ाई का रूप देकर के ही हम कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं और कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।